Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is in note. This video is D Pharma all student. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी फार्मा में पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, चाहे आपका वो फाइनल एग्जाम हो, चाहे आपका सेशनल हो या प्रैक्टिकल हो. तो आइए जानते हैं बारी बारी से. और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ थम्स अप जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप फार्मासिस्ट हो गए, एक फार्मेसी वाले स्टूडेंट को या चैनल को नहीं सपोर्ट करोगे तो कोई भी नहीं है जो फार्मेसी वाले स्टूडेंट या आपको भी कोई सपोर्ट करेगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो के साथ, इसी जानकारी को जानने के लिए जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कितने नंबर लाना है और कहाँ आप में कमी है कि आप अपनी और भी अच्छी मेहनत कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बार मैं सिलेबस दिखा देती हूँ जो आपका PCI का न्यू सिलेबस है. यहाँ पे देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 80 नंबर का रहेगा. फाइनल एग्ज़ाम जो होगा आपके 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर के और 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे एक एक नंबर वाले. ठीक है, और एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या शॉर्ट आंसर भी पूछा जा सकता है. तो आप लोगों को अपनी तैयारी अच्छी से कर लेनी है जिससे कि बैक लगने की चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए. अब आइए देखते हैं सेशनल एग्ज़ाम के बारे में. देखिए, सेशनल एग्ज़ाम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो. हम लोग बात करते हैं मेन पॉइंट की. देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेशनल एग्ज़ाम में, जो आपका सेशनल एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5 नंबर वाले और 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3 नंबर वाले और 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 नंबर वाले. आई होप आप लोगों ने सेशनल एग्ज़ाम दिया होगा. सेशनल एग्ज़ाम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अगर आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें कम नंबर आते हैं तो सेशनल एग्ज़ाम वहीं पर ऐड हो जाता है और आपको पास करवा देता है. ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को अपने सेशनल एग्ज़ाम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि आपका जो सेशनल एग्ज़ाम होता है वो आपके कॉलेज वाले टीचर ही लेते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन पेपर नहीं बन के आता है. इसलिए आपको पता रहता है कि इतना कंप्लीट करवा दिया गया है आपके कॉलेज में, इतना पढ़ा दिया गया है और थोड़ा ही रहता है, उसको कवर करके आप अपना सेशनल एग्जाम अच्छे से दे सकते हो जिससे कि आप अच्छे नंबर पा सकते हो और फिर बैक लगने के चांसेस जीरो हो जाते हैं. अब आइए बात करते हैं हम लोग कि एक बच्चे का कमेंट आया था, दीदी सेशनल एग्ज़ाम में कितने नंबर चाहिए हमें कि हम पास हो जाएँ. तो देखिए, आपका जो सेशनल एग्ज़ाम होता है वो 40 नंबर का होता है, लेकिन उसे देखा जाता है, उसको लिखा जाता है 20 का. इसलिए वो मार्कशीट में 20 का इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम पेपर रहता है वो 80 नंबर का रहता है. तो उसी 20 नंबर को ऐड करके पूरा 100 नंबर का आपका फाइनल जो भी क्वेश्चन पेपर रहता है उसको बनाया जाता है. ठीक है, तो अगर 40 ऐड कर देंगे तो 120 का थोड़ी बनेगा कोई भी क्वेश्चन पेपर, इसलिए 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका बनाया जाता है. अब 80 में से आपके कितने नंबर चाहिए फाइनल में कि आप पास हो जाओ. 80 में से 40 नंबर आपके पासिंग मार्क्स हैं. ठीक है, सामने लिखा हुआ है, आप लोग समझिए, 80 में से पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40 नंबर हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 80 में से अगर आपके 25 नंबर आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में ले आते हो और सेशनल एग्ज़ाम में आप 15 नंबर ले आते हो, जो आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेशनल एग्ज़ाम जो 20 नंबर का होगा हर 6 महीने पे या डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में जब भी करवा देते होंगे, बस आपको अपने कॉलेज से संपर्क बनाए रखना और मतलब पूछते रहना है. सेशनल एग्ज़ाम को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि वो बहुत ही हेल्प करेंगे आपके पास होने में. ठीक है, अगर आपका 20 नंबर का सेशनल एग्ज़ाम होता है, 40 नंबर का होता है लेकिन हम लोग देखते हैं 20 नंबर से ही. ठीक है, 40 का आधा कर देते हैं, 20 नंबर में आपको 14 या 15, बहुत अच्छा रहेगा. 15 से ज़्यादा ला रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है. ठीक है, लेकिन वो अच्छे मतलब एकदम सच्चाई वाले नंबर होने चाहिए, ये नहीं कि फ्रेंड से पूछ के या हेल्प लेके आ रहे हैं 15 नंबर या 15 से ज़्यादा. ठीक है, तो आपके 15 नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, बट आपको और भी तैयारी करनी है. ठीक है, और 15 नंबर आके आ गए आपके सेशनल में और 25 नंबर आप ले आए अपने फाइनल में, तो 15 प्लस 25 कर दीजिए कितना हो जाएगा, सभी लोग ऐड कर लीजिए, 40 नंबर हो जाएंगे. तो आपके पास होने के लिए 100 में से 40 नंबर ही चाहिए. ठीक है, 80 में से 100 में से आपका जो भी होगा फाइनल उसमें 100 में से आपको 40 नंबर ही चाहिए तो आप पास माने जाओगे. आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा जो मैंने लिखा हुआ है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. देखिए, फाइनल एग्ज़ाम आपका होगा 80 नंबर का. ठीक है, 80 में से आपको 40 नंबर लाने पड़ेंगे. 40 नंबर वो कैसे लाने पड़ेंगे, अगर आप सेशनल में अच्छे से अपना एग्ज़ाम दिए रहोगे,
15 या 14 नंबर लाए रहोगे तब वही जोड़ के आपके 40 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर फाइनल में आप 25 नंबर लाए रहोगे वही जोड़ के आपके 40 नंबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 25 प्लस 15 40 80 प्लस 20 100 100 नंबर का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा और 25 प्लस 15 कर दोगे 40 नंबर आराम से पास हो जाओगे एकदम मस्त, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहनी है कमेंट नाउ, आप सभी लोगों के कमेंट आपकी दीदी जरूर देती है, जो भी मतलब प्रॉब्लम रहती है सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो आपका जो भी जितने भी फ्रेंड हो जितने भी फैमिली मेम्बर हो उन सभी लोगों के पास अपनी दीदी का अपने फार्मेसी वालों का चैनल जरूर शेयर करिए। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई, अगर एक फार्मेसी वाले ही स्टूडेंट नहीं करेगा तो कोई और नीट या जेई वाले बच्चे तो नहीं आएंगे ना पढ़ने। तो सभी लोग आई रिक्वेस्ट यू हेल्प जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो कमेंट ना। थैंक यू, टेक केयर। और मैंने अभी प्रैक्टिकल से रिलेटेड यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल भी लिखा हुआ है, तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मैंने बना रखा है, आपको यहाँ साइड में शो हो जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा जिससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और प्रैक्टिकल के बारे में सब कुछ, कैसे फाइल बनानी है, कैसे क्या करना है, कितने नंबर आ जाएंगे तो आप पास हो जाओगे, सब कुछ बताया उस वीडियो में, जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए ही है। और अच्छा लगा है वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।